आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक होली स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड ठंडाई। ठंडाई बनाना लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज़। मैं हूं निहारिका और आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हर घर की ठंडाई की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेरी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी और इसके सारे ही इंग्रेडिएंट्स। 2 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच खस, 15 से 20 इलायची, 10 से 12 लौंग, 2 बड़े चम्मच आपको सौंफ लेनी है, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च लेनी है आपको। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम को आप अलग गर्म पानी में भिगोएंगे और बाकी जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन्हें अलग गर्म पानी में भिगोएंगे। इन दोनों को ही 2 से 4 घंटे आप सोख होने दीजिए गर्म पानी में, जिससे इनका फ्लेवर पानी में आ जाएगा। और हमारे बादाम जब अच्छे से फूल जाएंगे तो हम इनका छिलका उतार देंगे। यहाँ मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने उनका पानी हटा लिया है और बादाम के छिलके हटा दिए हैं। जिस पानी में मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स सोक किए थे वो पानी मैंने फेंका नहीं है, उसे रखा है क्योंकि उसमें सारे फ्लेवर हैं। यहाँ मैंने 1 ग्राम सैफ्रॉन ली है, केसर ली है। अब हम सभी चीजों को पीसना शुरू करेंगे। तो जो हमारे छोटे छोटे मसाले थे हम उनको बारीक पीसेंगे। जो हमने पानी अलग किया है उसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अपना बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे। ठंडाई का पाउडर बिल्कुल फाइन पेस्ट बनना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप 2 से 3 बार इसे चेक करें और फिर पीसें। जितनी जरूरत हो आप इसमें पानी डालते जाएं। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाइए आप इसका। अब आप इसमें बादाम भी डाल के पीस लीजिए। कुछ वीडियोस में बादाम का बिल्कुल भी छिलका नहीं उतारा जा रहा है। अगर आप इसका छिलका नहीं उतारेंगे तो जो बादाम के ऊपर की डस्ट और गंदगी होती है वो भी आएगी। दूसरी चीज, छिलका हमारे ठंडाई में ऊपर तैरेगा, इसलिए हमको इसका छिलका उतारना बहुत जरूरी है। और छिलका उतारने से इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल व्हाइट बनेगा। आप देख सकते हैं कितना व्हाइट पेस्ट बना है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैं 600 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और 300 ग्राम पानी डाल रही हूँ। अगर आप मीठा तेज खाते हो तो 750 ग्राम आप यहाँ पे चीनी लीजिएगा। चीनी आपको अपनी ड्राई क्वांटिटी से डबल लेनी है। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट चीनी को उबालेंगे। मैंने जो अपना टोटल मिक्सचर लिया था उसकी क्वांटिटी वेट में थी 300 ग्राम, इसलिए मैंने 300 ग्राम से डबल यहाँ पे चीनी ली है। यहाँ पे मैंने पानी में उबाल आते ही केसर की आधी डिब्बी डाल दी है और इसे मैं अच्छे से उबलने दे रही हूँ। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आएगा तब हम इसके अंदर हमारा बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया है बाकी सब चीजों को डाल के उसे डाल देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपकी चाशनी में तार नहीं आना चाहिए। अगर आपकी चाशनी में तार आ गया तो आपके यहाँ पे लम्प्स पड़ जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। सिर्फ चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए उस देर तक का आपको इंतजार करना है। अब आपने जब ये पेस्ट डाल दिया इसके बाद आपको 20 से 25 मिनट पकाना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच गुलकंद लिया है। इसे आप मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लें और फिर इसमें डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही डाल सकते हैं, आपके मुंह में गुलाब की पत्तियां आएंगी और थोड़ा सा डोमिनेटिंग टेस्ट होगा। जिस भी तरह चाहें आप डाल सकते हैं। डोमिनेटिंग टेस्ट के लिए अगर आप ज्यादा फ्लेवर चाहते हो गुलाब का तो आप डायरेक्ट डालें, और आप एक हल्का टेस्ट चाहते हो तो पीस के डालिए। अब आप देख सकते हैं कुछ 15 मिनट पकने के बाद हमारी ठंडाई का कलर चेंज हो गया है। अब ठंडाई को आप 15 से 20 मिनट और पकने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में आपकी ठंडाई गाढ़ी होती जाएगी। आप इसमें पानी डालते जाइए क्योंकि हमने जो पेस्ट बनाया है हमें उसे अच्छे से पकाना है। अगर हम उसे अच्छे से नहीं पकाएंगे तो हमारी ठंडाई की लाइफ कम रहेगी। इसलिए जिस पेस्ट को आपने बनाया है उस पेस्ट को बहुत अच्छे तरह आप चाशनी में पकाएं। बार बार ये गाढ़ी होगी, आप इसमें पानी डालते जाइए। आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जिस भी चम्मच को आप यूज करें उससे बॉटम तक, यानी कढ़ाई या
जिस भी आप भगोने को ले रहे हैं उसके नीचे तक आप अच्छे से हिलाएं। अगर आप नीचे से नहीं हिलाएंगे तो पेस्ट नीचे जाके बैठ जाएगा और थोड़ी सी जली हुई स्मेल आपकी ठंडाई में आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा इस ठंडाई को टेस्ट करके देख लें, अगर इसमें कोई कमी है तो आप इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मीठा डालना चाहें या आप इसके अंदर लौंग, इलायची, किसी भी चीज का टेस्ट बढ़ाना चाहें। आप देख सकते हैं कुछ 15 से 20 मिनट बाद हमारी ठंडाई परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। मैंने जितना इसमें पानी डाला था 300 ग्राम, उसके बाद मैंने 300 ग्राम पानी और डाला है और इसे कम से कम 40 से 50 मिनट पकाया है। 40 से 50 मिनट पकाने के बाद आप इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और लगातार कुछ 10 से 15 मिनट आप इसे चलाते रहिए, जिससे ये ठंडाई ठंडी हो जाए। गैस ऑफ करने के बाद आप इसे छोड़े ना, क्योंकि ये नीचे चिपक जाएगी, इसलिए कुछ 4 से 5 मिनट आप इसे चलाते रहिए। मैंने इसे पूरे एक दिन ठंडा करा है और अब मैं इसे भरने जा रही हूँ ग्लास बॉटल में। बिल्कुल सूखी ड्राई ग्लास बॉटल होनी चाहिए आपकी। आप प्लास्टिक की बॉटल में भी भर सकते हैं, लेकिन ग्लास में लाइफ ज्यादा रहती है। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। अब आपको जब भी ठंडाई बनानी हो, आप डिजायर्ड क्वांटिटी को निकालिए और ब्लेंडिंग जार में डाल के उसके ऊपर दूध डालिए और आइस डालिए और सर्व कर दीजिए। इस होली पे आप अपने घर में ये ठंडाई बनाइए। बहुत सिंपल रेसिपी है। मैंने इसके अंदर खरबूजे के बीज नहीं डाले हैं, क्योंकि उससे बहुत जल्दी कड़वापन आता है। एक दो चीजें और नहीं डाली है, लेकिन ये केसर बादाम ठंडाई आपकी फेवरेट होने वाली है। कम इंग्रेडिएंट, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से हमने बनाई है, जो आपको बेहद पसंद आएगी। आप भी एक बार मेरे तरीके से ठंडाई बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।